जिरी गांव के प्राचीन मंदिर में घुसकर असामाजिक तत्वों ने हथौड़े से तोड़ी मूर्तियां, इलाके में फैला आक्रोश। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जांच में जुटे। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिरी गांव में बीती रात प्राचीन घड़ी माता मंदिर में घुसकर अज्ञात लोगों ने मंदिर में विराजमान माता रानी और श्री गणेश जी की मूर्तियों को हथौड़े से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और इलाके में आक्रोश फैल गया। सूचना के बाद जहां पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, तो वहीं कार्यवाही की मांग को लेकर बजरंग दल के लोग भी मौके पर पहुंच गए। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जिसके बाद ग्रामीण जन आक्रोशित हुए और जाम के हालात निर्मित कर दिए गए। आखिर क्या समझाइश हुई है, क्या निर्णय हुआ है जिसके बाद ये जाम हट पाया है और प्रशासन की ओर से भी क्या आश्वासन मिला? हमारे आराध्य भगवान के साथ किसी ने ऐसी घटना की है जो कि एक हमारे क्षेत्र नहीं पूरे प्रदेश के लिए गलत है। कि मैं यही कहूँगा कि हमारी क्षेत्रीय जनता का जाम लगाने जो में होना जायज है, कोई भी व्यक्तिगत किसी से विवाद है तो वो आपस में निपटाए, ना कि मूर्तियों को खंडित कर। मैं यही कहूँगा कि जिसने भी ये कृत्य किया है उसको सजा मिलना चाहिए और मैं क्षेत्र की जनता के साथ हूँ। उनका निर्णय मेरा निर्णय है। एडीएम साहब, एडीओ साहब और यहाँ की पूरी प्रशासन टीम से चर्चा हुई और उन्होंने 10 दिन का समय मांगा है और हमारी क्षेत्र की जनता 10 दिन के लिए सहमत हो गई है। अगर 10 दिन में मुलजिम पकड़ा ही नहीं आते तो यह जनता 10 दिन के बाद दोबारा धरना देगी और मैं जो क्षेत्र की जनता का निर्णय उसके साथ हूँ और मुझे विश्वास है कि और प्रशासन पर भी विश्वास है कि वो जल्दी से जल्दी मुलजिम को 10 दिन के अंदर पकड़ लेगी। इसके साथ ही जिरी में जनता की मांग है कि कलारी धनी बस्ती से थोड़ा आउट में जाए और जो मांस और मीट की दुकान है वो भी आउट में जाए, जिससे हमारी हमारी जनता रहती है वहाँ शांति बनी रहे, क्योंकि नशा करके हमारी महिला भी परेशान रहती है, उनकी भी मांग है। तो हम जो दारू की दुकान और मीट मजिला की दुकान आउट में अभी प्रशासन से मांग करते हैं और थोड़ा आउट में जाए और हमें विश्वास है कि प्रशासन भी है और जनता भी है कि शांति का माहौल बना रहे। धन्यवाद। मंदिर में घुस के मूर्ति और उसको कुछ नुकसान किया कारित किया गया, उसमें पुलिस तत्काल यहाँ मौके पर पहुँचकर FIR लिख के अज्ञात लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने विवेचना में लिया, इस वक्त फिंगरप्रिंट और डॉग हैंडलर की टीम मौके पर बुलाई गई है। हम लोग यहाँ मौके पर उपस्थित हैं, SDM साहब भी साथ में हैं और बाकी प्रशासन भी साथ में है। पुलिस प्रयास करे जल्दी से जल्दी इस मामले का खुलासा करें। सर, किस मंशा के अनुरूप यह कृत्य किया गया, क्या चोरी की? अभी उसमें प्रथम दृष्टया ऐसी कोई चोरी की मामला इसमें संज्ञान में नहीं आया है, क्योंकि मंदिर में कोई घुसा इसी बीच में पुजारी जी जो यहाँ थे उन्होंने देख लिया है तो भागते हुए दिखा है, इसलिए वो मूर्ति तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मूर्तियों को थोड़ी सी क्षति हुई है, जो उसकी पगड़ी होती है उसकी जो निकली है। बाकी इसमें और आगे बेचना में चीज़ें निकल के आएंगे लेकिन क्लियर करेंगे। क्या यहाँ मंदिर के पुजारी हैं? क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था कल यहाँ? मैं शाम को जब आया 8:30-9:30 घर से खाना खा के, तो वहाँ पर मैंने एक आदमी के लिए वहाँ पर देखा और देखने के बाद उसकी पीठ थी, मैं उससे बोला भैया कौन है, इतने सुनने के वो भाग गया ऐसा और जी सामान मकान नीचे छोड़ लगा। तो कौन कौन सी मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी है? अरे थोड़ी मैया की, गणेश जी की और नंदीश्वर की, तीनों मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त। हाँ, थोड़ी छूट और कोई चोरी वोरी तो नहीं हुई? और कोई चोरी नहीं। मामला सामने आया, आप भी मौके पर पहुंचे, क्या कुछ घटनाक्रम रहा है सर और क्या प्रशासन अपने रूप में काम कर रहा है? एक्चुअली शासन संधारित मंदिर है और इसमें 100 बीघा जमीन लगभग शासन द्वारा संधारित की जाती है, यहाँ पर मंदिर से लगी हुई है। रात्रि के समय जब पुजारी यहाँ पर नहीं थे
किसी अज्ञात व्यक्ति ने कुछ घटना करने की कोशिश की है, लेकिन वो घटना कर नहीं पाया, उतनी बड़ी घटना कोई है नहीं ऐसा। और जो भी जिसने भी घटना कारित की है उसको पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और उसको जल्दी से जल्दी पकड़ कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर साहब ने भी सख्त कहा है कि उस पर सख्त रासुका के तहत कार्रवाई हो, इस तरह की घटना धार्मिक भावना है भड़काने की कार्रवाई करता तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।